राम राम। मेरा नाम है निशा और तुम देखने लाग रहे हो स्टार न्यूज हरियाणा। यूं तो हरियाणा में किसी टैलेंट की कोई कमी को नहीं, और उसी टैलेंट ने आज दिखाने वास्ते हम तुमने लेके आए हैं गांव रायपुरा में। और रायपुरा गांव है सिरसा से 20 किलोमीटर दूर है, और इस गांव में पहुंचने का खास मकसद यो ही है कि तुमने गर्मी में तरबूज तो जरूर खाए होंगे, और सदा हरे तरबूज बाहर से अंदर से लाल तरबूज। लेकिन आज हम जो तुमने तरबूज दिखावांगे ये लाल तरबूज ना बल्कि पीला तरबूज तुमने देखने मिलेगा। पीला तरबूज की खेती यो किसान करने लाग रहे हैं। बात करेंगे किस तरह मन में विचार आया कि लाल तरबूज की बजाय पीला तरबूज की खेती करी, कितना इसमें लाभ किसान कमाने लाग रहा है, वो भी बातचीत के दौरान जानेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाऊंगा थाने झलकियां की तरह किसान ने खेती करे, और कितना एरिया के अंदर है जो पीला तरबूज की खेती करके मुनाफा कमाने लाग रहे हैं। तो आओ कुछ झलकियां थारे साथ सांझी करा, फिर भी बाद में थाने बातचीत भी करवावांगा। तो दिखावा था हमने खेत की झलकियां कि किस तरह से किसान ने आपके खेत के अंदर लाल तरबूज की बजाय पीला तरबूज की खेती कर रखी है। यो हमने तस्वीर भी दिखावांगा, झलकियां भी दिखावांगा कि यो जो तरबूज है ये तरबूज दिखने लग रहा है, ये तरबूज लाग रहा है, और ये पीला तरबूज है, यानी कि बाहर से हरा और अंदर से पीला तरबूज। और मैंने भी ये टेस्ट कराया, इस तरबूज का जो टेस्ट है बिल्कुल लाल तरबूज से भी ज़्यादा मीठा है। तरबूज के अंदर जो टेस्ट एकदम ओरिजिनल टेस्ट, और इसमें एक खास चीज़ भी यह देखने मिली कि लाल तरबूज के अंदर बीज ज़्यादा देखने मिला, लेकिन पीला तरबूज के अंदर जो बीज है वो भी कम था, और टेस्ट इतना मीठा कि गुड़ ने भी फेल करा है। तस्वीर है जो खेत की दिखाने लाग रही हूँ, और इस किसान की जो मेहनत है काबिले तारीफ है, क्योंकि ये किसान है जो किसान बीए पढ़ा लिखा किसान है, और उसके बाद में भी आपके खेत में पढ़ाई छोड़ के यो तरबूज की खेती करने लग रहा है। तरबूज की ढेरी है वो भी थाने दिखावांगा, और इसके ये तरबूज की जो डिमांड है बल्कि शहर में ही ना विदेशा तक भी लोग इसकी डिमांड करा है। अभी कुछ लोग भी आए, उनसे भी हमने बात करी कि जाना दिल्ली था, लेकिन होते हुए स्पेशल इस ढेरी पे गाड़ी रोकी और इस तरबूज का टेस्ट कराया। वाकई तरबूज बड़ा मीठा तरबूज है। साइज़ की बात करें तो साइज़ भी छोटे से लेकर बड़े तरबूज तक का साइज़ इसके अंदर है, और ढेरी तो हम देखने लग रहे हो कि अलग अलग तरह की ढेरी है। ये भी तरबूज है तो ये भी तरबूज है, इसमें मीठा तरबूज भी शामिल है तो पीला तरबूज भी शामिल है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। सर आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? तरबूज की खेती कर रहा हूँ। तो किस तरह से आपके मन में विचार आया कि पीले तरबूज की आप खेती कर रहे हैं लाल तरबूज की बजाय? देखो जी, मैंने स्टार्टिंग तो लाल तरबूज से की थी, और पहले और सब्जी से की थी जैसे बैंगन हरी मिर्च, और बाद में लाल तरबूज की, और बाद में जो मैंने सोचा भी कुछ अलग किया जाए, तो मैंने मार्केट में पता किया बीज का, तो मेरे को पीले बीज का जो तरबूज मिला था सबसे पहले सकाटा कंपनी का था जी, जो जापान की है, तो उसका मैंने लगाया था। लोगों ने बहुत चाहा, धीरे धीरे फिर इसको मैंने बढ़ाया, और आज अच्छी इनकम ले रहा हूँ जी पीले तरबूज से। तो सर कितने समय से ये पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं? ये मैं 4 साल से कर रहा हूँ जी, 4 साल से, और अब की बार मेरी थोड़ी ज़्यादा है पीले तरबूज की खेती। तो इसके लिए कब खेती पैदा करनी पड़ती है, कब तैयार हो जाता है तरबूज पक के, कितने टाइम लगता है? इसका टाइम है जी जनवरी लास्ट और मार्च, 15 मार्च तक इसकी खेती हम अपने खेत में लगा सकते हैं जी। और अब देखो आप जो आज बात करूं तो 28 शायद मार्च अप्रैल है, 28 अप्रैल को मेरी पीक पे खेती बिल्कुल तैयार है। तो सर आप इतने पढ़े लिखे हैं और फिर इस तरह से खेती का मन में विचार आना, क्या कहोगे? देखो जी, पढ़ना लिखना तो उस टाइम जब मैं बीए कर रहा था उस टाइम, आगे तो सीधी सी बात है IIM या फिर बीएड, और जब मैंने बीए कर रहा था उस टाइम हमारे हरियाणा के अंदर 1,40,000 लोगों ने बीएड कर रखी थी, और वो भी बेरोजगार घूम रहे थे। मैंने सोचा भी कुछ अलग किया जाए, तो मैं इस खेती में उतर गया, और ये भी नहीं चाहता किसान भी, किसान का बेटा एक खेती करे, किसान बाप कभी नहीं चाहता भी वो अपने बेटे को खेती कराए, लेकिन मैंने एक ये अलग जो करके इनकम, जो इनकम का जो सोर्स बनाया अच्छी है, और ताकि लोगों के मन का ये जो भेदभाव है, मन के लोगों की जो भावना है ये दूर हो जाए कि खेती से भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है नौकरी से, तब मैंने इसमें मैं रेगुलर लगाऊंगी। तो इस पीले तरबूज की क्या खासियत है, क्या इसमें विशेष है? ये जी लाल तरबूज से ज़्यादा मीठा है, और डबल मीठा है, और जो पानी वाटर की मात्रा है वो इससे डबल है जी, और ये कह सकते हैं जी सीडलेस, क्योंकि मात्र 40-50 इसके अंदर कितने बड़ा तरबूज हो जी, 40-50 बीज होते हैं।
लाल तरबूज में तो बहुत ज़्यादा बीज होते हैं जी। और इसका जो खाने का जो भाग है वो 95% यानी 95% 95% भाग हम खा सकते हैं, तबकि जो ये ब्लैक वाला है इसका 50% ही खाने में यूज होता है, बाकी 50% का जो ऊपर का बकल होता है वो होता है जी। और ये लास्ट ककड़ी की तरह होता है, छिलका बिल्कुल पतला होता है जी इसका, तो ये खाने में स्वादिष्ट भी ज़्यादा है और सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है भी बुजुर्ग छोटे से छोटे बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग इस तरबूज को खा सकता है जी। तो पीले तरबूज की खेती करने के लिए किस तरह की जमीन की जरूरत पड़ती है और अब आपने कितनी जमीन के ऊपर ये पीला तरबूज बो रखा है? ये मैंने अभी जी 1 एकड़ के अंदर लगा रखा है और जमीन नॉर्मल होनी चाहिए जी, ज़्यादा गहरी तकड़ी भी ना हो ताकि पानी भरे, ये फ्रूट गलने की जो शिकायत होती है वो ना आए। अगर दोपट मिट्टी जैसे हम कह सकते हैं मिक्स मिट्टी होती है जैसे लाल और जो ये बालू मिट्टी, तो इसमें अच्छा उत्पादन होता है जी इसका, अच्छी खेती होती है इसकी। तो सर आपकी तरबूज की खेती की डिमांड कहाँ कहाँ तक है इस तरबूज की? मेरे को तो सभी जगह लग रही है जी, ग्राहक आते हैं खेत से, कोई 200 किलोमीटर से चल के आता है अभी पीला तरबूज लेने के लिए, कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है जी, और कोई पीछे भाई आए थे जो कोई पता नहीं कोई साधन लेके आए थे, तो वो गुजरात तक हमारा तरबूज जाता है जी, पीछे 1 क्विंटल तरबूज लेके गए थे आज से 2 दिन पहले। तो सभी जगह कहूँगा जी मैं तो, जहाँ जहाँ या मेरे रोड से गुजरते हैं तो वो आकर्षित होके मेरी खेती जो रोड पे है इसको देख के जी रुकते हैं, ज़रूर रुकते हैं और वो लेके जाते हैं। तो सर और किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि किसान है जो हरियाणा का किसान या तो गेहूं और क्या कहते हैं कपास वगैरह की खेती करता है और ये अनोखी खेती कर रहा है, क्या कहोगे इसके लिए? यही कहूँगा जी, किसान खेती करें, अलग हटके भी करें, थोड़ी थोड़ी करें, परंपरागत जो खेती है इसमें जो ये वेजिटेबल की जो लाइन है या बागवानी की लाइन है इसकी आमदनी उठा पाएगा तब अपना डायरेक्ट सेल करेगा उपभोक्ता को। अगर उपभोक्ता को सेल नहीं करेगा तो मार्केट वैल्यू कभी तो ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा होने का कम चांस रहता है, मार्केट में भाव का कम ही होने के चांस रहते हैं। जैसे आज मिर्च की बात करूँ तो मार्केट में बहुत कम भाव है, टमाटर के बहुत कम भाव है, वाटरमेलन जो मेरा है वो 12-13 रुपये किलो जा रहा है और किसान भाइयों का है वो 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये भी बिक रहा है मार्केट में। तो जी बढ़िया खेती करें, जैविक खेती करें तो अच्छी आमदनी ले सकता है किसान। तो सर पीले तरबूज की खेती करने के लिए कितना बड़ा जो बीज है जी, क्लाउज का जैसे जूमोरेड हो गया, सकाटा का जो सबसे टॉप बीज है, सकाटा का सातों के नाम से आता है जी, वो लगभग मान के चलो आप 22-23 हज़ार रुपये किलो आ जाता है। और इसका जो नोनियो कंपनी का ये जो हमने लगा रखा है अनमोल और विशाला जो नाम की वैरायटी है जो पीले रंग की होती है, तो वो जी मान के चलो आप 87 हज़ार रुपये किलो आया था पीछे अभी बीज, तो बीज में डिफरेंस हो गया जी कम से कम इसके 60-65 हज़ार रुपये का। तो आज हमारी टीम हमने लेके आई गांव रायपुरा में और अड़का एक किसान से थारी बात भी करवाई और इस पीले तरबूज का जो खास के है वो भी तुमने बताया कि लाल तरबूज की पीला तरबूज है जो स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा बढ़िया है और जो पीला तरबूज है वो अंदर तक पूरी तरह से सॉफ्ट है और उसके अंदर बीज भी कम है, पानी की मात्रा भी ज्यादा है। तो इसी स्टोरी हम थारे सामने और भी ले गया आवांगा और भी हरियाणा का जो टैलेंटेड लोग है वांगा सागा थाने रूबरू करवाऊंगा। तो इस वीडियो ने तो ज्यादा शेयर करियो और कमेंट जरूर बताइए और अगर थाने पीलो तरबूज खानो है तो आना आपको एड्रेस भी दे दियो, अभी एड्रेस पर थे संपर्क कर सको और पीला तरबूज खास को इस गर्मियों बच को, क्योंकि पीला तरबूज के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है। सिरसा